नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बलराम नगर मंडल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस DLF वार्ड के अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बारे में कई बार चर्चाएं होती रहती हैं कि यहाँ पर स्वच्छता व्यवस्था की कमी है, निगम पार्षद के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है या जनप्रतिनिधि की उपेक्षा का शिकार ये वार्ड है, ऐसे लोगों का कहना है, तो इनके बारे में इनकी क्या राय है मैं जानना चाहूँगा उनसे। प्रशांत जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी वैसा, जैसा कि यहाँ DLF में लोग आते हैं, बड़े ही ख्वाब से आते हैं कि DLF एक बहुत अच्छी कॉलोनी है जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है कीचड़ और जल निकासी की समस्या, कई बार तो यहाँ ये बिजली की समस्या भी देखी गई है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। देखिए, अभी नई कॉलोनी बस रही है, ये नई कॉलोनी जहाँ भी बसती है तो कुछ समस्याएं आती ही रहेंगी, क्योंकि ये जो हमारी कॉलोनी बसी हुई थी बहुत कम लोगों के लिए थी और ये एकल आवासीय प्लॉट यहाँ था कि एक प्लॉट में एक परिवार रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य समझिए, हमारे यहाँ जब लोग नहीं आने शुरू कर दिए, क्योंकि शुरू शुरू में लोग आना नहीं चाहते थे, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था लोनी, लेकिन बाद में बिल्डर लोग यहाँ के बिल्डर फ्लैट बनाने लगे, तो एक प्लॉट में जहाँ एक परिवार होना चाहिए था, यहाँ एक एक प्लॉट में 16-16 परिवार आ गए। उस हिसाब से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था, तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे तैयार होगा तो ये समस्याएं कम होंगी। अच्छा, पहले क्या था कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी बहुत कम थे, पहले आज से हमें याद है कि 5-7 साल पहले 8-10 कर्मचारी होते थे, अब हमारे यहाँ धीरे धीरे बढ़ा के, जैसे मोदी जी का कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान, उस दृष्टिकोण से अब यहाँ नगर पालिका में टेंडर होता है इसकी सफाई करने के लिए, अब यहाँ करीब 25-26 कर्मचारी तो परमानेंट होते हैं, और आजकल तो स्पेशल टीम लगाई गई है जिसमें दोनों शिफ्ट में 2 बजे के बाद भी एक टीम लगी हुई है, वो भी साफ सफाई करती है, और 25-25 की दो दो टीम लखनऊ की जो टीम है जिनके पास टेंडर है वो अलग से लगा रखे हैं कि इसकी साफ सफाई की जाए, तो आपको अमूलचूल परिवर्तन मिलेगा, तो धीरे धीरे ये परिवर्तन आएगा और सफाई होगी। लेकिन लोगों का कहना है कि विकासीय कार्यों में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार ये वार्ड रहा है, जी इसके बारे में आपका? नहीं, उपेक्षा का शिकार तो नहीं रहा है, आप देखेंगे कि विगत 8-9 साल में ही यहाँ की जितनी भी सड़कें बनी है, इंटरलॉकिंग सड़कें हैं, पहले तो सड़क थी ही नहीं, 2012-13 में हमें याद है कि राजनाथ सिंह जी आए थे तो पहली बार मध्य मार्ग जो मेन लाइफलाइन है, पहली बार सड़क बनी थी GDA के थ्रू, वो चला कुछ दिन, वो चला उसके बाद में रिपेयर होता रहेगा, और इंटरनल सड़कें तो बहुत बाद में इधर 8-9 साल में ही बहुत सड़कें बनी, अगर देखा जाए तो करोड़ों करोड़ रुपए के टेंडर हुए, उसमें सड़कें बनी हैं, लेकिन अभी भी कई जगह सड़क का निर्माण बाकी है, और जैसे जैसे फंड आता जाएगा वैसे वैसे इसका निर्माण हो जाएगा। कि यहाँ दो मुख्य मार्ग है, जिंदल रोड और दूसरा MM रोड, जी जी, दोनों ही नारकीय स्थिति में है और लगभग ये बरसों से है स्थिति, कब तक सुधरने की उम्मीद है? जी देखिए, ये समस्या एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे पहले ये नाली वाली तो समस्या, नाली तो थी ही नहीं, ये स्टॉर्म वाटर जो बरसाती नाला का ये काम करता था मध्य मार्ग का, या हमारी कॉलोनी के अंदर भी नाली नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि जब जनसंख्या बढ़ती चली गई, सीवर चोक होता चला, क्योंकि जब बिल्डर काम करते हैं तो ये क्या करेंगे कि वहां घिसाई करके पत्थर और सीवर के अंदर डाल देते हैं, अब सफाई की व्यवस्था नगर पालिका के पास हमारी सीवर सफाई की व्यवस्था नहीं थी, ये ओपन नाली तो साफ कर लेते थे, तो बाद में टेंडर होने लगा इसका खुले नाली की, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, लोग रैंप बना के उस नाली को ढक देते हैं, अब नाली जब ढक लेंगे तो उसकी सफाई कैसे होगी, सफाई करने अगर कोई कर्मचारी जाता है तो वो लोग रैंप हटाना नहीं चाहते हैं, तो वही बात है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, वही समस्या हो गई, अगर रैंप का व्यवस्थित लोग बना दे कि रैंप उठा के और नाली सफाई हो जाए तो यहाँ पानी नहीं लगेगा, लेकिन समस्या यही है कि MM रोड और जिंदल रोड दोनों में पानी इसीलिए लग रहा है कि दोनों साइड के नाले लोग बंद कर दे रहे हैं, रैंप ऊपर कर दे रहे हैं, सड़क नीचे हो जा रहा है, फिर कुछ दिन के बाद सड़क अगर बनाई जाती है तो उसको ऊपर उठाते हैं तो बगल वाले फिर रैंप ऊपर कर देते हैं, तो इसमें नगर पालिका को और जनप्रतिनिधि को बहुत कड़ाई के साथ इन रैंपों का समाधान करना पड़ेगा, तब जाके ये पानी निकासी की समस्या दूर होगी, अन्यथा ये इसी तरह चलता रहेगा।
अगली समस्या है आपका बिजली का, बिजली का, जिससे लोग परेशान रहते हैं, इन्वर्टर भी दम तोड़ देता है ऐसी स्थिति। जी जी जी, इसके बारे में क्या उम्मीद कर रहे हैं? अंजीत जी, आपको भी याद होगा, बहुत पहले से रहने वाले हैं, 2011 के पहले लोहे की तार पे जंगलों के द्वारा, इसी जंगल लालबाग जंगल से, बलराम नगर से बिजली आती थी हमारे यहाँ, और उसी से डीएलएफ, चमन विहार, रेल विहार, आपको आनंद विहार, सरला विहार, जितना ये आसपास की जितनी कॉलोनी थी उसी पे चलती थी। 2011 में हम लोग एक बिजली घर बनाए, यही बिजली डीएलएफ बिजली घर, उसमें 5-5 MV का 2 ट्रांसफार्मर लगा, मशीन एकदम खाली था, 4 फीडर हुआ करता था। आज के डेट में देख लीजिए कि यहाँ अब 2 बिजली घर हो गए। ये भी बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि एक कॉलोनी में 2 बिजली घर, एक ए ब्लॉक बिजली घर जिसका नाम है चमन विहार बिजली घर, एक डीएलए बिजली घर, दोनों बिजली घर पे 10-10 MV का 4 ट्रांसफार्मर लगा है। देखिए 11 और आज हो रहा है 23, 10 साल में क्या बिजली का कंजम्पशन ग्रोथ बढ़ा है। ये जैसी बढ़ा तो बिल्डिंग बढ़ती चली गई, तो डिमांड और सप्लाई में बहुत ज्यादा हमेशा गैप रहने लगा। लेकिन फिर भी 10-10 MV का ट्रांसफार्मर लगने के बाद अब बहुत कंट्रोल है, पहले से बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन आपका प्रश्न अभी, जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ घरों में आग लग जाती है, इसमें दोनों प्रकार की उदासीनता है, बिल्डर की भी उदासीनता है और हमारे जो इसमें जो लोग रेजिडेंट रहते हैं उनकी भी है। एक तो तार की क्वालिटी वह अच्छी नहीं लगाते हैं, बिल्डरों की क्वालिटी नहीं है। अच्छा, लोगों का क्या है कि मोटरसाइकिल ले जाएंगे और मीटर के पास लगा देंगे, स्पार्किंग हो रही है तो प्रशांत जी सोचेंगे कि अंजीत जी बनाएंगे, अंजीत जी चाहेंगे कि मिश्रा जी बनाएंगे, तो इस प्रकार करते स्पार्किंग करके वहां आग लग जाती है। तो दोनों की इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सामंजस्य बनाना पड़ेगा, और इसमें बिजली विभाग को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो ट्रांसफार्मर से बस वायर तक जो वायर जाती है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये हो जाए तो ये आग लगने की समस्या बंद हो जाएगी। लेकिन क्या बिल्डर इसको करेंगे पूरा? नहीं नहीं, बिल्डर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्डर को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्डर को चलिए धन्यवाद है कि वो आज के दौर में शहरों में मकान बना के लोगों को मुहैया करा रहे हैं सस्ते मकान, इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन थोड़ी क्वालिटी उनको देखनी पड़ेगी, गुणवत्ता पे, उनकी गुणवत्ता पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वहां आग लगेगी तो क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, कई लोग यहां मरे भी हैं, क्वालिटी खराब डाल देते हैं, प्लास्टर करेंगे एकदम घटिया क्वालिटी का सीमेंट मोटार लगा के प्लास्टर कर देते हैं, तो थोड़ा उनको भी ध्यान देना चाहिए। इतना सस्ते के चक्कर में इतना घटिया माल लगा देंगे तो काम चलेगा नहीं, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रशांत जी, जिन्होंने बताया कि समस्या समाधान जल्द होगा और बाकी बहुत विकास हुआ है और आगे होगा।